तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारी अल्ट्रोज है हमारे साथ। तो हमने भी रिसेंटली अल्ट्रोज परचेस किया था, टाटा अल्ट्रोज BS6 मॉडल। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं, जिस समय हमने परचेस किया था उस समय इसमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता था। तो ये वही मॉडल है, ये हमारा बेस मॉडल है। तो आज हम आपको इसका एक्सेलरेशन टेस्ट दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं इस कार में, मतलब 4-3 पीछे बैठे हुए हैं और एक पापा जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। और अभी हम आगे की सीट में बैठेंगे और आपको दिखाएंगे कि कार का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा मिलता है देखने में, मतलब जो कार है वो अच्छे से पुल कर पाती है या नहीं। मतलब अगर आप 5 लोग अगर बैठते हैं तो किसी तरह का कार को पुल करने में कोई दिक्कत होता है या नहीं होता है। तो चलिए, अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे हम लोकेशन पे आए हुए हैं। तो अभी चलिए आपको हम पूरा इसका एक्सेलरेशन टेस्ट दिखाएंगे कि कार जो है वो कैसा परफॉर्म करती है, पुल करने में कोई दिक्कत होता है या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले कार के अंदर चलते हैं। काफी अच्छा आप देख सकते हैं लुक लग रहा है कार का देखने में। और जो व्हील कवर्स है वो हमने इंस्टॉल किया था, तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार में बैठते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कार जो है वो पुल कैसा करता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हम कार के अंदर आ चुके हैं। पापा कार को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए। उसके बाद अभी आपको दिखाएंगे कि कार जो है वो कैसा पुल करता है। और हमारा जो लगेज है वो भी लोडेड है। एक बार मैं आपको लगेज दिखा देता हूँ पीछे से। एक बार डिक्की खोल दीजिए, एक बार आप लगेज देख लीजिए पहले कि हमारा लगेज भी जो है यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे से ही आपको दिख रहा होगा। अभी अगर मैं डिक्की खोलूंगा तो सामान जो है वो गिरने लगेगा। आप देख सकते हैं लगेज भी पूरा लोडेड है हमारा कार में। तो आपको हम दिखाते हैं चलिए कि कार जो है वो पुल कर पाता है या नहीं कर पाता है इतना लगेज और इतना पैसेंजर होने के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 3 पैसेंजर अभी बैठे हुए हैं। मम्मी है हमारे, मौसा जी हैं और मेरी बहन है। तो चलिए अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले पुलिंग कैपेसिटी कार का। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं एक नंबर पर है। कहां तक कार जाता है पुल करिए पूरा, ये देख सकते हैं आप। सेकंड गियर में भी कार जो है उसे हम पुल कर रहे हैं। जो है फ्रेंड्स वो काफी अच्छा से पुल कर रहा है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया। 100 तक तो जो कार है वो काफी इजीली चल जा रहा है और उससे ऊपर भी चला जाएगा। बट ये जो रोड है ये उतना अच्छा नहीं है कि मतलब हम ज्यादा यहाँ पे पुल कर सके। बट कार को पुल करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और आप केबिन नॉइज भी सुन सकते हैं, जरा भी आपको केबिन के अंदर साउंड देखने को नहीं मिलेगा। काफी लोग बोल रहे थे कि 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशंस मिलेगा या फिर नॉइज आएगा। तो जैसे कि अभी आप साउंड सुन सकते हैं, मैं एक बार थोड़ा देर शांत रहता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग पाएगा कि कैसा केबिन नॉइज आता है। अभी हमने जो है वो शीशा को पूरा चारों साइड जो है वो चढ़ा रखा है और AC भी हमारा जो है वो ऑफ है। तो अभी हम आपको एक बार नॉइज सुना देते हैं इंजन का। कुछ ऐसा आपको इंजन नॉइज देखने को मिलता है। तो पुलिंग में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इस कार में, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छे से जो है वो कार वो पुल कर लेती है। रहा बात टर्बो इंजन का, तो काफी लोग जो है वो टर्बो इंजन लेने का सोच रहे थे इस वेरिएंट का। तो अगर आप टर्बो इंजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट इस कार में आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। कार जो है वो काफी अच्छा से अपना परफॉर्मेंस जो है उसे डिलीवर कर देता है। तो अगर आप फैमिली पर्पज से एक अच्छी कार अगर आप लेने का सोच रहे थे तो आप इस कार को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप जैसे कि पुल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है कार को। तो परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा ऑप्शन है टाटा की तरफ से। और आप जानते हैं कि सेफेस्ट हैचबैक भी है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका बजट है, अगर आप टर्बो वेरिएंट्स के लिए जा सकते हैं तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेशली एक नॉर्मल आप फैमिली पर्पज से एक कार लेने का सोच रहे थे तो आप इस कार को ले सकते हैं। आपको टर्बो इंजन के लिए जाने का कोई उतना जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एक एग्रेसिव राइडिंग चाहिए, जैसे अगर आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हैं। बट ये जो कार है आपको माइलेज भी काफी अच्छा डिलीवर कर देता है। आप यहाँ देख सकते हैं मीटर में
यहाँ पे आपको मीटर में जो है वो माइलेज यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हमें 16.1 का माइलेज मिल रहा है और अब रोड्स का हालत अभी देख सकते हैं, हम स्टेट हाईवे में अभी राइड कर रहे हैं। तो माइलेज का बात आप करते हैं तो 16 के लगभग में यहाँ पे शो कर रहा है, तो माइलेज मीटर से कुछ ज्यादा ही माइलेज हमें मिल जाता है। 17-18 के लगभग जो है ये वो माइलेज डिलीवर कर देता है। अगर आपको माइलेज टेस्ट देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको माइलेज टेस्ट भी दिखा देंगे। माइलेज का अगर हम बात करते हैं तो 16 से 17 तक आपको ये माइलेज इजिली दे देगा एसी चलाकर, तो ये काफी अच्छा माइलेज भी डिलीवर कर देता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। तो होप करता हूँ आपकी जितने भी डाउट्स होंगी इस कार को लेकर वो सब क्लियर हो गई हो। तो परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा ऑप्शन है, आप परचेस कर सकते हैं इस कार को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।